इन भदौरिया फूड शैली हम चाइना की अर्चना करते हैं। चाइना ने जो कर दिया है और हमेशा से करता आया है, लेकिन अब हमारा हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, 2020 का हिंदुस्तान है। हमारा नेतृत्व मोदी के अध्यक्षता का नेतृत्व और हमारी सेना सक्षम है। हम चाइना को बहुतों जवाब देंगे और अपने शहीदों को बदला अति शीघ्र ही लेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित कुमार है, मैं मंडल महामंत्री हूँ बागनगर से। सर, आज ये पुतला दहन किया गया है, ये किस परिपेक्ष में दहन किया गया है? जो चीनी सेना ने कायराना हरकत करके हमारे जो वीर सैनिक हैं उन पर आक्रमण किया और उनको जो शहीद हुए हैं उसके आक्रोश में हमने ये चाइनीज सेना और चाइनीज देश का हमने विरोध किया है और उनका पुतला जलाया है और उनको एक संदेश देने की कोशिश की है कि जो भारतीय सेना या भारत देश से टकराएगा उसको हम कड़ा जवाब देंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे। और हमारी भारतीय सेना ने इसका उदाहरण दे भी दिया है कि जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं तो उन्होंने उनके कम से कम 50 सैनिकों को कुत्ते की मौत मारा है और हम इसी तरीके से उनको जवाब देते रहेंगे। और कोई भी भारत भूमि पर एक इंच भी अब अधिकार नहीं कर सकता है क्योंकि ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का नरेंद्र मोदी जी का भारत है जो हर बात का माकूल जवाब देना जानता है। जय हिंद, जय भारत। सर, चीनी जो प्रोडक्ट हैं उनका भारत के बाजारों पर 70% से ज़्यादा कब्जा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो हमारी गलती है, अब वो गलती दोबारा नहीं हो सकती। जो 2020 का भारत है बहुत आगे निकल चुका है और चाइनीज सामान का लगभग सब लोग वॉकआउट कर रहे हैं और आगे भी बहिष्कार होगा चीनी सरकार का, चीनी सैनिक का, और जो 2020 का भारत है बहुत आगे जा चुका है। सर, क्या नाम है आपका? मानवेंद्र सिंह राठौर, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी आगरा। चीन ने जो कायराना हरकत कर भारत के सैनिकों को जो मारा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो चाइना का शुरुआत से प्रोपेगंडा रहा है ऐसा काम करने का, शुरुआत से उसकी ऐसी आदत रही है, लेकिन वो समझ रहा है 1962 का भारत होगा, ऐसा नहीं है। आज देश को सशक्त प्रधानमंत्री, सशक्त रक्षा मंत्री, सशक्त गृह मंत्री हैं हमारे पास जो मुंह तोड़ जवाब देने जानते हैं। आप देख ही रहे हैं कल का बयान मोदी जी का, अब वो भारत नहीं रहा जो किसी देश के पिछलू बन के पीछे रहने वाला है, कड़ा से कड़ा जवाब दिया जाएगा जैसे मोदी जी ने कहा है। और कोरोना महामारी जो इस विश्व में फैली हुई है उसको कहीं ना कहीं इसका लिंक जाना से है, तो जिस तरह से विश्व में वो अलग पड़ रहा है इसीलिए वो ध्यान भटकाने के लिए और कारण हरकत कर रहा है ऐसी, लेकिन वो अब इस चीज़ को समझ गया है कि ये वो भारत देश नहीं है जो पहले था, वो जरूर जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। दादागिरी नहीं चलेगी, गाना की दादागिरी नहीं चलेगी, गाना की दादागिरी।
अमर शाह की भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।